ये है कहानी वीरों की, वीरों की और शूरों की। ये है निशानी शूरों की, वीरों की और शूरों की। ये है गाथा महावीरों के शौर्य और बलिदान की, महावीरों के शौर्य और बलिदान की। परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं के मान की, परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं के मान की। माटी पर मर मिटने वाले प्रहरियों के सम्मान की, माटी पर मर मिटने वाले प्रहरियों के सम्मान की। वीरों की गाथा, वीरों की गाथा, वीर गाथा। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों। साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। इन वीरों ने समरांगन में हमेशा देश का मस्तक ऊंचा किया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज याद करते हैं भारतीय वायुसेना के जांबाज योद्धा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों को, जिन्हें उनके अतुल्य रणकौशल और अप्रतिम शौर्य के कारण देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। निर्मल जीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को इसवाल गांव में हुआ था। पिता सरदार त्रिलोक सिंह सेखों और माता हरबंस कौर घर में इस बालक के आगमन से बेहद प्रसन्न थे। इसवाल गांव पंजाब के लुधियाना शहर के समीप हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के पास था। सीमावर्ती सैन्य हवाई अड्डा होने के कारण हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर युद्धक विमानों का आना जाना लगा रहता था। इसलिए कहना ना होगा कि बालक निर्मल ने पैदा होने के बाद माता पिता और परिजनों की स्नेह भरी पुचकार और पंजाबी लोक गीतों के अलावा युद्धक विमानों की गर्जना भी सुनी थी। संभवतः इसीलिए बचपन से ही उनके मन में वायुयानों का आकर्षण कूट कूट कर भरा था। जब भी किसी विमान की आवाज आती वो झट से घर के बाहर निकलकर विमान को देखने की कोशिश करते। माँ, मुझे हवाई जहाज देखना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा? मैं तो जा रहा हूँ हवाई जहाज देखने। अरे अरे पुत्र सुन तो, तू भी ना। अरे मैं तो गया हवाई जहाज देखने। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। जैसे जैसे वो बड़े होते गए विमानों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता ही गया। जब वो चमचमाती हुई सैनिक वर्दी में वायु सैनिकों को देखते तो उनके मन में सेना में जाने की प्रबल इच्छा हिलोरे लेने लगती। जब निर्मल के गांव में जवान छुट्टियों में घर आते तो बालक निर्मल उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता। सच्चियाकाल चाचा। सच्चियाकाल। छुट्टी पर आए हो? अरे निर्मल, तुम तो बहुत बड़े हो गए। हाँ, मैं कल ही आया हूँ। और कैसे हो पुत्र? मैं ठीक हूँ चाचा, मुझे आप लोगों की वर्दी बहुत अच्छी लगती है। हाँ पुत्र, हमारी वर्दी तो है ही शानदार। अरे भाई, देश की सेवा करने वालों की वर्दी तो शानदार ही होगी ना। मैं भी सेना में जाऊंगा। चाचा बताइए ना, आप लोग सेना में क्या क्या करते हैं? अरे पुत्र, हम कसरत करते हैं, परेड करते हैं, युद्ध का अभ्यास करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं। बंदूक भी चलाते हो? हाँ भाई, सैनिक हैं तो बंदूक तो चलाएंगे ही ना। और हवाई जहाज भी उड़ाते हो? हाँ। मैं भी सेना में जाकर हवाई जहाज उड़ाऊंगा। जरूर पुत्र जरूर, लेकिन इसके लिए ना पहले अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करो। जी चाचा। निर्मल को हरी सिंह नलवा की कहानियां बहुत अच्छी लगती थी। हरी सिंह नलवा 19वीं शताब्दी के
एक सुप्रसिद्ध योद्धा थे। उनके शौर्य की गाथाएं पंजाब के गांव-गांव में बताई और गाई जाती हैं। निर्मलजीत अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद लुधियाना के समीप अजीतसर मोहे नामक कस्बे में स्थित खालसा हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सन 1962 में उन्होंने दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में दाखिला लिया। यहां वो नेशनल कैडेट को यानी एनसीसी में शामिल हुए और एरो मॉडलिंग में अपनी विशेष रुचि दर्शाई। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना की शानदार विजय हुई। सेना की बहादुरी के बहुत से किस्से जन जन में फैल गए। भारतीय वायु सेना में शामिल होने के अपने चिर संचित स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने बीच में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने भारतीय वायु सेना में आवेदन किया और आखिरकार 4 जून 1967 को उन्हें भारतीय वायु सेना में नियुक्ति मिल गई। शीघ्र ही उनकी पदोन्नति हो गई और वो फ्लाइंग ऑफिसर के पद तक पहुंच गए और भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग बुलेट्स कही जाने वाली 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल हो गए। अपने विनम्र स्वभाव के कारण वो सबके चहेते बन गए। सभी उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। अपने मातहतों के प्रति भी उनका रवैया अत्यंत मैत्रीपूर्ण था। फ्लाइंग ऑफिसर जैसे उच्च पद पर होते हुए भी वो हर काम के लिए तैयार रहते। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। एक दिन की बात है, वो एयरफोर्स कमांड ऑफिस से लौटते हुए सैनिक हवाई अड्डे के हैंगर में पहुंच गए। हवाई अड्डे में हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां विमानों को मरम्मत, तकनीकी देखभाल और सफाई के लिए रखा जाता है। गुड मॉर्निंग मान सिंह, कैसे हो? निर्मल सर, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। एयरफोर्स कमांड ऑफिस गया था, लौटते हुए सोचा कि एयरक्राफ्ट हैंगर से होता हुआ चलूं। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से इस एयरक्राफ्ट को साफ किया। देखो ना यार, कैसा चमक रहा है, बहुत खूब। सर, ये तो हमारा काम है। मानसिंह, मुझे लगता है कि इस विमान की टेल को कुछ और चमकाने की जरूरत है। जरा वो क्लीनिंग टूल तो देना मुझे। सर, आप भला सफाई करेंगे? ये तो हमारा काम है सर। नहीं मानसिंह, अगर हम जहाज उड़ा सकते हैं तो इसकी सफाई भला क्यों नहीं कर सकते? अरे दो ना मुझे, लाओ। एक मिनट, ये पॉलिश दे। हाँ, पॉलिश दे। अब देखो क्या चमक रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा मेरा इसमें। तो ऐसे थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। उनके बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है। उन दिनों भारतीय वायुसेना के पास युद्धक विमानों में मुख्य रूप से छोटे आकार के नेट विमान हुआ करते थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का कद बहुत लंबा था, इसलिए छोटे लड़ाकू विमान नेट 657 में बैठ पाना उनके लिए बहुत असहज था। एक मिनट मानसिंह, तो मैंने फिट होने दे यार। एक मिनट, मैं अपने ये घुटने जरा से मोड़ देता हूँ। हो गया फिट, स्मार्ट लग रहा हूँ ना। फिर भी निरंतर अभ्यास के कारण वो इन छोटे विमानों को भी उड़ाने में सिद्धहस्त हो गए थे। वो कमाल के पायलट थे। जब वो अपना विमान उड़ाते तो उनकी कलाबाजियां देखते ही बनती। और फिर आया 1971 का साल। पाकिस्तान में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में हवाई हमलों के द्वारा युद्ध छेड़ दिया। पाकिस्तानी हवाई हमले में भारत के कई सामरिक महत्व के क्षेत्र तबाह हो गए थे। 14 दिसंबर 1971 का दिन, समय प्रातःकाल, लगभग 10 बजे। अचानक श्रीनगर एयरबेस का सायरन बजने लगा। ये संकेत था पाकिस्तानी हवाई हमले का। श्रीनगर एयरफील्ड पर दुश्मन के
F-86 श्रेणी के 6 सेबर जेट विमानों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तानी विमानों ने एयरफील्ड में धुआंधार बम बरसाने शुरू कर दिए। सामरिक समुदाय में यह माना जाता था कि युद्ध क्षमता की दृष्टि से पाकिस्तानी सेबर जेट विमान अपनी तकनीकी विशेषताओं के कारण भारत के नेट विमानों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। श्रीनगर एयरफील्ड में नेट विमानों की एक टुकड़ी किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। आदेश पाते ही फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अपने नेट विमान से टेक ऑफ किया। सेखो हवा में पहुंचे ही थे कि उन्हें 6 पाकिस्तानी लड़ाकू सेबर जेट विमान घेर चुके थे, जो लगातार उन पर बम बरसा रहे थे। और अब शुरू हुआ लड़ाकू विमानों के बीच आमने सामने का भीषण युद्ध। एक ओर 6 शक्तिशाली सेबर जेट विमान थे और दूसरी ओर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का इकलौता नेट विमान। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों अपने अपूर्व रणकौशल से पाकिस्तानी विमानों से भिड़ गए। उनकी फुर्ती देखते ही बनती थी। उन्होंने ऐसी कुशलता से विमान उड़ाया कि उनकी चपलता और रफ्तार देखकर दुश्मन भी चकित रह गया। इसी बीच उनका विमान शत्रु के निशाने पर आ गया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के विमान को 6 पाकिस्तानी विमानों से घिरा हुआ देखकर भारतीय एयरफोर्स ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष से उन्हें रेडियो संदेश भेजा गया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, आपके विमान को गोली लगी है, आप तुरंत रनवे पर वापस आएं। सर, अभी तो दुश्मन के 2-2 जहाज मेरे सामने हैं, जब तक मारूंगा नहीं तब तक लौटूंगा नहीं। दुश्मन का ये वाला जहाज बिल्कुल सामने है, निशाना लगाता हूं, अब बिल्कुल निशाने पर आ गया। अरे, ये तो ऊपर से निकल गया, मैं इसके ऊपर जाता हूं, वहां से निशाना लगाना आसान होगा। Go! फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, दुश्मन के 2 और विमान आपके पीछे हैं। अपने विमान को नीचे लाइए। सर, अब दुश्मन का जहाज बिल्कुल मेरे निशाने पर है, उसे तो गिराकर ही दम लूंगा। ऐसा कहकर फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने एक पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाकर उड़ा दिया और एक बार फिर अपनी रफ्तार और कलाबाजियों से पाकिस्तानी विमानों को उलझा दिया। इसी बीच मौका देखकर उन्होंने एक और पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाया और उसे मलबे में बदल दिया। आग की लपटों से घिरा वो विमान नीचे आ गिरा। अब दुश्मन के 4 विमान बचे थे। 2 विमानों को गिराने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने बचे हुए 4 विमानों को खदेड़ना शुरू किया। घबराकर दुश्मन के जहाज वापस लौटने लगे। ओए कायरो, ओए भागते कहां हो? मुझे तो सामने आओ, आओ मुकाबला करो। इसी बीच उनका विमान एक बार फिर से दुश्मनों के निशाने पर आ गया और उसका एक इंजन खराब हो गया। दुश्मनों की गोलियों से उनका जहाज अब जर्जर हो चुका था और गिरने लगा था। कुछ क्षणों बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का अंतिम रेडियो संदेश फिर सुनाई दिया। कंट्रोल रूम, दिस इज सेखों 102। मेरा जेट भी अब दुश्मन के निशाने पर आ चुका है सर, अब आप लोग अगला मोर्चा संभालिए। अलविदा सर, शायद अब मुलाकात ना हो। जय हिंद। और अपना आखिरी संदेश देने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों देश के लिए शहीद हो गए। उनकी इस असाधारण वीरता के लिए
उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र के कुछ अंश इस प्रकार से हैं। हालांकि ये बराबरी की टक्कर नहीं थी, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने अकेले ही दुश्मनों को पूरी टक्कर दी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। फ्लाइंग ऑफिसर शेखों परमवीर चक्र का सम्मान पाने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र सैनिक हैं। शहादत के समय उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 1971 के युद्ध की धारा भारत के पक्ष में मोड़ देने वाले इस वीर सैनिक को कृतज्ञ राष्ट्र पूरी श्रद्धा से नमन करता है। अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शमाइला परवेज, बावला कोचर, आर एस रघु और परवेज गौहर, ध्वन्यंकन विकास सांगवान और शानू मुक्सीम, निर्माण परामर्श विमलेश चौधरी, निर्माण सहायक कुसुम लता, आलेख निर्देशन एवं निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।